हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है या फिर और भी कई सारे क्वालिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं, तो उनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, मीन्स सरकारी नौकरी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम है और ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट रहेगी है। बाकी की डिटेल्स हम आगे कवर करते हैं एडवर्टीजमेंट पीडीएफ से। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, तो इससे ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। टोटल 31 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। जो मेन हाइलाइट्स हैं हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे। 9 सितंबर 2022, 9 सितंबर की डेट से ये रिलीज हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है। फाइनेंस एंड अकाउंट असिस्टेंट मैनेजर, आईटी, रिसर्च इकोनॉमिक्स, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर, 16 सितंबर को ये वीडियो बने, 15 सितंबर से 15 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फी भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुए। 3 फेजेस में सिलेक्शन क्राइटेरिया बटी हुई है। फेज 1 ऑनलाइन होगा, फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा और फेज 3 में इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहले जनरल स्ट्रीम है। जनरल स्ट्रीम वो रहेगा जिसमें कि कोई भी मास्टर डिग्री किसी भी विषय से, स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 31 जुलाई 2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए। टोटल 15 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है। बाकी SC ST सभी के लिए कैटेगरी वाइज दी हुई है नंबर ऑफ पोस्ट की डिटेल। तो ये जनरल कैटेगरी में मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और बैचलर डिग्री इन लॉ मीन्स LLB वाले, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग BE BTEC भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये आप चेक कर लें, बट बेसिकली मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एलिजिबल फॉर जनरल स्ट्रीम असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट है और सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट। ये चेक करने जिनके पास फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड कोई डिग्री है, तो इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है क्या, आप चेक कर लें। IT वाले में सिर्फ एक ही वैकेंसी है तो ये भी आप चेक कर लें। काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बट वैकेंसी सिर्फ 1 है और इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है IT वाले में। रिसर्च इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक, बट 1 पोस्ट है। लीगल में बैचलर डिग्री इन लॉ LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस लैंग्वेज राजभाषा में हिंदी इंग्लिश से अगर मास्टर डिग्री की हुई है, इसमें कई सारे ऑप्शंस भी दिए हुए तो आप चेक कर लें। फ्रेशर ऑफिशियल लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 1 पोस्ट है। तो इस तरह से बेसिकली जो है जनरल वाले कैटेगरी के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसके पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि जो सिलेबस है वो क्या है। इसकी सैलरी हम देखेंगे पहले। एज लिमिट पेज नंबर 4 पर, कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स, मीन्स जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज कैलकुलेट करने के लिए 2 यहाँ पर दिए हुए हैं आपको एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आप चेक कर लें। और ये जो एज है ये 30 ईयर्स अपर एज लिमिट, ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से SC ST कैटेगरी के लिए जो एज में रिलैक्सेशन या और कुछ कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन दी जाती है वो यहाँ पर भी लागू होगी। SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, PWBD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 10 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 5 विजिट कर लें। फेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होगी 100 मार्क्स की, फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का एंड फेज 3 में इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। सबसे पहले सैलरी देखेंगे हम। अगर आप सर्विस कंडीशन और सैलरी चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 7 के एंड से शुरू हो गया सर्विस कंडीशन, पे एंड अलाउंसेस। सक्सेसफुल कैंडिडेट रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर।
शेल एंडरगो प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड या परिवीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड बुलाते हैं उस पे रखा जाएगा, और उसके बाद पे स्केल आपको जो दी जाएगी कंफर्म किया जाएगा, द कैंडिडेट शेल बी कंफर्म्ड सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो इसके बाद जो है 1 साल के बाद उनको कंफर्म कर दिया जाएगा, और पे स्केल जो ऑफर की जा रही है उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पर लिखा है, एट द मिनिमम स्केल ऑफ अप्रोक्स इज ₹1,40,000 पर मंथ। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इसमें कई सारे अलाउेंसेज दिए जाते हैं, स्पेशल अलाउेंसेज भी दिए जाते हैं, जिनमें बेसिकली जो मेन अलाउेंस है HRA, हाउस रेंट अलाउेंस, DNL, महंगाई भत्ता, इसके अलावा फैमिली स्पेशल कंपनसेटरी अलाउेंस, ये सारे एक्स्ट्रा अलाउेंसेज दिए जाते हैं। इसकी वजह से सैलरी काफी हैंडसम सैलरी है, ₹1,40,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। एग्जाम सेंटर अगर आप देखना चाहें कि एग्जाम से, तो फेज 1 में ईस्ट जोन में कोलकाता, वेस्ट जोन में मुंबई, नवी मुंबई ठाणे, नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ मोहाली, साउथ जोन में चेन्नई, सेंट्रल जोन में भोपाल, नीचे भी चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से कई सारे मीन्स ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, कई सारे सिटीज जो है वो दिए हुए हर जोन में, ईस्ट जोन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल जोन में। तो मल्टीपल सिटीज दिए हुए हैं जो इस तरीके से ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जो पेज नंबर 8 के एंड से शुरू होता है एग्जाम सेंटर। अगर आप देखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो चेक कर सकते हैं 8 एंड पेज नंबर 9 को। एप्लीकेशन फी की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फी, SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फी, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ₹1,000 है एप्लीकेशन फी। GST इसमें इंक्लूसिव है, मीन्स फाइनल जो है ₹1,000 एप्लीकेशन फी रहेगी। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, मेल कैंडिडेट जनरल, EWS एंड OBC, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो एप्लीकेशन फी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं पेज नंबर 15 देख लें, हाउ टू अप्लाई। ऐसे तो जब भी आप कभी एप्लीकेशन करते हैं तो खुद एडवर्टीजमेंट पढ़ लेनी चाहिए, 1 महीने का टाइम है अप्रॉक्स, तो 1 महीने में पहले आप पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को, एक एक लाइन, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हिडन है या और भी क्या चीजें हैं तो उनको समझने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब भी रहती है तो जॉब लोकेशन, जहां भी इनके यूनिट होंगे ऑल इंडिया लेवल पर, उनमें कहीं पर भी जॉब पोस्टिंग हो सकती है। तो इसके लिए जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आप कोई भी वैकेंसी आउट होती है और आप उसके लिए फिल करते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पर इनके जहां जहां भी यूनिट होंगे वहां कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, इसके लिए रेडी होना पड़ता है। यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एक्सेप्टेबल एज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल स्ट्रीम। तो अगर जनरल स्ट्रीम वाले में MA मास्टर डिग्री नहीं भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स वगैरह मांगा गया, वहां पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 स्ट्रीम्स ओनली, कोई भी 2 स्ट्रीम में ही अप्लाई मैक्सिमम आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं एक बार, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें ही करियर सेक्शन रहेगा नीचे, जब ऑफिशियल वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे आप सबसे नीचे यहाँ पर देखिए करियर, नीचे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा रेड में ब्लिंक कर रहा है करियर, इस पर क्लिक किया तो करियर वाली पेज ओपन होती है, और इसमें ही आपको सारे अभी देखें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से लिंक दी हुई है अप्लाई करने के लिए। इसके नीचे जो है सारे डिक्लेरेशन फॉर्म है, ST SC OBC फॉर्म 5 फॉर्म 7 फॉर्म 6 और इनवाइटिंग, इसमें ही कहीं पे डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आपको मिल जाएगी, जो सबसे बड़ी ये जो है 9 सितंबर में सबसे टॉप में PFRDA रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2022 728 KB, 728 KB की जो PDF है वो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, और बाकी सब जो है वो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है सर्टिफिकेट। तो ये 728 KB वाली डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 31 पेजेस की, इसको आराम से बैठे पढ़े। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकीपीडिया से ली है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर ले, आप भी विकीपीडिया के थ्रू चले जाएं, लिंक ले लें और करियर सेक्शन नीचे है स्क्रॉल डाउन करने पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट लिंक अप्लाई करने के सारे सर्टिफिकेट्स के प्रोफोर्मा सभी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।